आप सबों को मेरा प्रणाम। मैंने कहा था कि रविवार को 28 तारीख को आऊँगा, समय तो निर्धारित है ही 1:30 बजे। कोरोना से जंग जारी है, लड़ाई जारी है। अभी अक्षित जी ने आपको कहा कि दूरी बना के रहने की कोशिश की जाए, मास्क पहना जाए, हाथ धोए जाए और समूह और भीड़ से अपने को अलग रखें। पिछले बार भी मैंने कहा था कि लोग अब अनुरोध सुनते नहीं हैं, पता नहीं क्यों शिव चर्चाएं इतना महत्व रखती हैं कि महादेव उसके सामने ठिंगने हो गए, बौने। कोई कीमत महादेव की नहीं रह गई है, ये स्थिति। 31 जुलाई तक चर्चा हम लोगों ने बंद की है, बंद रहेगी। आपको नियम तोड़ देने हैं, सरकार की बात नहीं माननी है, हम लोगों का अनुरोध नहीं मानना है, तब कोई क्या कर सकता है। लेकिन सही सलाह तो यही होगी कि अपने को बचाएं इस कोरोना से और अपने चलते दूसरों को खतरे में नहीं डालें। वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें, बिना ज़रूरत के घर से नहीं निकलें। इधर अनुरोध होगा ही, आप माने अथवा ना माने कोई क्या कर सकता है। चलिए देखता हूँ क्या जिज्ञासाएं आई हैं। आपसे बात करने के लिए कोई विषय है नहीं, जिज्ञासा ही है, देखता हूँ। मैं अपने गुरु शिव को अपना शिष्य भावना पतितों के बाद भी नहीं देख पाती हूँ। साहब ऐसा क्या करूँ कि मुझे लगे कि मैं अपने गुरु को अपना शिष्य भाव अर्पित कर पा रही हूँ। ये भेजी है बहन चंपा पाकुड़ छात्र। आपने जिज्ञासा सुनी, जिज्ञासा है कि मैं अपने गुरु को शिष्य भाव नहीं दे पा रही हूँ, क्या करूँ कि शिष्य भाव दूँ। शिष्य भाव है क्या? एक विचार है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य। यही विचार जब घनीभूत होता है, प्रगाढ़ होता है, तो इसको भाव बोलते हैं। जैसे माँ का भाव, पिता का भाव, पुत्र का भाव, पत्नी का भाव, तो शिव की शिष्यता भी एक भाव है। भाव का अर्थ हुआ कि हम जो विचार अपने मन में कर रहे हैं कि हम महादेव के शिष्य हैं, महादेव मेरे गुरु हैं, इसका मजबूत हो जाना, इसका प्रगाढ़। इसके लिए आपको तीन काम बताए गए, तीन सूत्र बताए गए। पहला कहा गया कि इस विचार को बार बार अपने मन में दोहराएं आप, बोलने से नहीं होगा, मन में दोहराएं आप कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें। धीरे 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 ये विचार आपका, अभी तो दिमाग से बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है, मस्तिष्क बोल रहा है, धीरे धीरे आपका हृदय बोलेगा, दिल समझ जाएगा कि शिव मेरे गुरु हैं। और जहाँ दिल समझा कि शिव मेरे गुरु हैं, दिल से ही भाव पैदा होते हैं, दिमाग से तो होते नहीं, तो शिष्य भाव प्रेषित होने लगेगा। शिष्य भाव कोई खास चीज नहीं है, आपका ये विचार कि शिव आपके गुरु हैं, बस यही विचार और इस दिशा में आपका कृत्य, आपका काम कि आपको शिष्य भाव में ले जाएगा। शिष्य भाव कोई लड्डू तो है नहीं कि जिसको पकड़ेंगे हम लोग, वो विचारों का घनीभूत होना है, शिष्यता के विचार का घनीभूत होना है। इसके लिए तीन सूत्र आपके पास हैं, इसको करें। हाय अविनाश जी, गुरुग्राम दिल्ली NCR लिखे हैं। शिष्यवत में ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रमाण है, कहते शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का सोपान है। प्रयास का कहिए, उसका उत्कर्ष का सोपान। बिना गुरु के कैसे होगा ये पहले बताइए। शिष्यत्व तो मैंने कोई गुरु है, कोई किसी का चेला है, बिना गुरु के होगा कैसे? जान गाय के बच्चे को देखा भाई साहब, जब गाय बच्चे देती है, बच्चा देती है, या जानवर जब बच्चा देता है,
तो उसके बच्चे खुद खड़े होकर माँ का दूध पीते हैं। जानवरों को के बच्चों को फेंक दीजिए पानी में, वो तैरने लगेंगे, उनको तैरना सिखलाना नहीं पड़ता। आदमी के साथ प्रकृति ये मदद नहीं करती, जानती है इसके पास बुद्धि है, इसके माँ के पास बुद्धि है, इसके आस पड़ोस के लोगों के पास बुद्धि है, तो प्रकृति नहीं करती। आदमी के साथ क्या है कि इसको सिखलाना पड़ता है, इसको ज्ञान देना पड़ता है। और यही कारण है कि लाख पुस्तकों के बावजूद भी स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, किताबें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके बाद भी शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, विश्वविद्यालय चलते हैं। आदमी के बच्चे के साथ यही है। तो आप आध्यात्म में चलना चाहते हैं, शिष्यत्व में चलना चाहते हैं, पारलौकिक जगत में चलना चाहते हैं, उस शिव को जानना चाहते हैं या उस ईश्वर को जानने की इच्छा है आप, तो कोई तो मार्गदर्शक होगा भाई साहब। और मार्गदर्शक के प्रति, अगर मार्गदर्शक सही है तो उसके प्रति आपका लगाव भी होना चाहिए, आपको थोड़ा उस पर भरोसा भी होना चाहिए, थोड़ा विश्वास भी होना चाहिए, तभी चलेंगे। और सही गुरु अगर मिल गया, मान लीजिए शिव ही गुरु है, अब उनसे बड़ा तो कोई गुरु है नहीं। और मेरा अनुभव है कि वो जितना बढ़िया सिखलाते हैं, हमको तो आदमी नहीं मिला उतना बढ़िया सिखलाने वाला, बोलते भी नहीं, आते भी नहीं, कभी सिखा देते हैं। जैसे बच्चा सयाना हो गया, साला कौन उसको सयाना करता है, कुछ पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह महादेव भी सिखला देते हैं गुरु गुरु, जब धन दे सकते हैं, वैभव दे सकते हैं, ऐश्वर्य दे सकते हैं, तो ज्ञान नहीं दे सकते, दे ही सकते। तो पारलौकिक किसी उत्कर्ष का सोपान शिष्यता है, बशर्ते कि गुरु सही, सत्य गुरु हो, सद्गुरु हो या शिव गुरु हो। पारलौकिक क्या, लौकिक का भी वही है, उत्कर्ष वही है, लौकिक पारलौकिक दोनों के उत्कर्ष गुरु ही है। कहा जाता है गुरु पाया, गुरु पाए सब चीज के, लेकिन गुरु पर निर्भर होगा तब, गुरु से जुड़ेगा तब, जुड़ने का प्रयास करिए, कोशिश करनी चाहिए। और पारलौकिक क्या, लौकिक भी वही है भाई साहब। हम लोग की पैदाइश लोक में जरूर है, लेकिन इस पैदाइश के पीछे लौकिक कारण नहीं है, वो अलौकिक ही है, पारलौकिक ही। नमन कितने प्रकार के होते हैं, बहन जी मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं है कि नमन कितने प्रकार के। गांव में थे तो चचा काका को कहना पड़ता था, गोड़ लगाते नहीं काका, अब मोने मोन कहते थे कि साला कुतवा कहाँ से भेटा, अमुआ से बोलते। सियाने हुए तो कुछ दिन तक चला गुड मॉर्निंग सर, ये सब नमने की प्रक्रिया है, मन कहीं नहीं झुक रहा। उसके बाद चला कुछ दिन तक हैंडशेक, बड़े हाथ बढ़ाया, मन कहीं नहीं झुका, नमन हुआ ही नहीं। अब चल रहा है प्रणाम, उसका भी अर्थ होता है नमन ही। तो नमन कितने तरह का होता है ये तो आप ज़्यादा अच्छा बता सकती हैं बहन जी, क्योंकि आपकी जरूर शादी हुई होगी, सास को आंचल से जरूर आप गोड़ लगा होगा, हम लोग तो ये काम किया नहीं। नमन का मानी होता है मन का झुकना, अगर मन नहीं झुका किसी के सामने, इसका कोई अर्थ नहीं है नमन का। नमः शिवाय एक करोड़ करें आप, कोई इसका अर्थ नहीं है। नमन का मानी है कि जहाँ मन झुक जाए, जहाँ मन पिघल जाए जिसको प्रणाम करने से, वह नमन है। नमन की नौटंकी तो एक करोड़। भारतवर्ष की महिलाएं हमारे, हम तो सीमान मुकाम में रहने वाला हूँ, देखता हूँ, अरे बाप रे बाप, ससुर को असास को जो आंचल से पोछ पोछ के गोड़ प्रणाम करती हैं, हम मने मन का सोचती हैं वो तो हमको मालूम है, आप भी जानते हैं। तो नमन कितने प्रकार के होते हैं ये मुझको नहीं मालूम है, लेकिन नमन क्या होता है ये हमको मालूम है। सभी अपने आप को शिव का शिष्य कहते हैं,
बात कहाँ तक सत्य है? क्या सचमुच हम सभी शिव शिष्य बनते हैं? यदि हाँ तो फिर हम लोगों को शिव की ओर ले चलने के बजाय चर्च की ओर क्यों ले चल रहे हैं? क्या ऐसी मानसिकता को महादेव गुरु के रूप में शिष्य के अंदर से खत्म नहीं कर सकते? क्या समझा कि हम लोग शिव शिष्य हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बोलो जरा। हम सभी अपने आप को शिव का शिष्य कहते हैं, ये बात कहाँ तक सत्य है? क्या सचमुच हम सभी शिव शिष्य बन गए हैं? यदि हाँ तो फिर हम लोगों को शिव की ओर ले चलने के बजाय चर्चा की ओर क्यों ले चल रहे हैं? क्या ऐसी मानसिकता को महादेव गुरु के रूप में शिष्य के अंदर से ये बात नहीं कर सकते? अगर कोई शिव का शिष्य होगा, पहले तो हम लोग मुंह से बोलते हैं कि शिव शिष्य हैं, आचरण से तो हम लोग नहीं दिखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आचरण से दिखते हैं कि ये लोग शिव शिष्य हैं। पुराने बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे साथ के लोग हैं, वो उनको देखिएगा तो लगेगा कि ये शिव शिष्य। बाकी तो लोग खाली जिज्ञासा करेगा, सवाल भेजेगा कि हमसे जिज्ञासा करिए, लगता है कितना बड़ा विद्वान है इस ससुरा, कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं हो, जहाँ तक ये कहने का सवाल है कि हम लोग शिव शिष्य हैं, तो ये भी अच्छी बात बोली है। हम फलना स्कूल में पढ़ते हैं, किसी बच्चे से पूछिए किस किस स्कूल में पढ़ता हूँ, अभी कौन कौन से पढ़ता हूँ, तो बताएगा इस स्कूल में पढ़ता हूँ। और सच्चाई है कि स्कूल जाने के बहाने जाके वो कंप्यूटर पर गेम खेलता है दुकान में, नहीं है, हम तो अपने घर में देखा। सच्चाई है कि वो पूरा शहर घूमेगा साइकिल से स्कूटर से, अब बाप माई को बोलेगा कि जी कॉलेज स्कूल से आ रहे, वो तो रहा। इसी तरह से हम लोग भी बोलते हैं हम लोग शिव शिष्य, अच्छी बात बोलनी चाहिए, हैं, पॉजिटिव है। लेकिन आचरण से तो शिव शिष्य अगर हो गए आप, तो आप भाई साहब जितना सवाल कर रहे हैं ना, कोई नहीं करेगा। जो शिव शिष्य हो जाए, इसके मन में शिव गुरु, क्या कहिएगा उसको, शिव गुरु से उसका संपर्क हो जाएगा, इतनी बात वो बोलेगा ही नहीं कि शिव शिष्य हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ, काहे के लिए चर्चा हो रही है। और अगर कोई शिव शिष्य हो जाता है तो क्या क्या करेगा ये बताइए? दया मांगेगा कि महादेव को मारेगा? कोई चेला है तो दया मांगेगा, चेला है तो बुझता है कि गुरु की दया ही सब कुछ, प्रणाम करेगा यानी झुकेगा, वो नौटंकी नहीं करे पहले, झुकेगा वो अपने गुरु के सामने, शिष्य झुकता ही है। और गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं, गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। चोर अपने चेला को चोर बनाएगा, डकैत अपने चेला को डकैत बनाएगा, दर्जी अपने चेला को दर्जी बनाएगा। तो गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाते हैं, गुरु का काम क्या है, वो दूसरों को ईश्वर से की ओर उन्मुख करते हैं, ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो आपको मना ही कर देगी कि आप गुरु नहीं हो सकते। मैंने शुरू किया इस काम को, मैंने ही मना कर दिया, प्रेरोगेटिव है मेरा, मैंने मना कर दिया कि कोई शिव गुरु होंगे, कोई शिव का चेला गुरु नहीं। लेकिन ज्ञान तो फूट रहा है अगर गुरु आपके भीतर है, तो गुरु से संपर्क है, तो कहते गुरु भाव क्या लक्षण है? पिता भाव का लक्षण है कि वो अपनी संतान को प्यार करेगा, पति भाव का लक्षण है कि वो पत्नी का केयर करेगा, पुत्र भाव का लक्षण है कि वो पिता का ख्याल रखेगा, उसी तरह से गुरु भाव का लक्षण है कि वो दूसरों को ज्ञान देगा, ईश्वर की ओर ले जाएगा, शिव की ओर ले जाएगा, उस भाव का ही लक्षण है, प्रकट ही होता है लक्षण इसी से। तो कोई शिव से मान लीजिए हो गया या है, तो उसमें ये लक्षण प्रकट होंगे, दया की स्थिति में जाएगा वो, दया मुँह से मांगे या नहीं मांगे, दया की स्थिति में उसका मन जाएगा, नमन की स्थिति में उसका मन जाएगा, और गुरु को लोगों को शिव की ओर ले जाने की कोशिश में लगेगा वो। तो कोशिश में वो क्या करेगा बेचारा, ज़्यादा से ज़्यादा चाय पिला सकता, बोलेगा ही। इसीलिए गुरु चर्चा शिव शिष्य होने के बाद भी आप करेंगे, और शिव शिष्य होने के लिए भी आप करेंगे। साइकिल जो सीखी जाती है ना बाबू, गाड़ी जो चलाना सीखता है आदमी, चलाने सीखने के बाद भी वही प्रोसेस से गाड़ी चलती है, नहीं जिस तरीके से आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं आज, गाड़ी जब चलाने लगेंगे आप अनायास,
तभी वही तरीका रहेगा। अगर गड़बड़ तरीका से सीख जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो शिव शिष्य होने के लिए जो तरीके दिए गए, तीन सूत्र जो दिए गए, शिव शिष्य होने के बाद भी वो तीनों सूत्र रहेंगे, उसके अलावा कोई आपके पास उपाय नहीं है। अंतर इतना ही होगा कि अभी सायास हो रहा है, कोशिश के साथ बात हो रही है, उस दिन अनायास हो जाएगा, खुद हो जाएगा, खुद ही मन शिव के सामने झुका रहेगा, खुद ही मन दया की स्थिति में आएगा, और खुद ही आदमी चाहेगा कि हे कोई महादेव की ओर चलता, कोई शिव को अपना गुरु मान लेता, खुद ही चाहेगा वो। इसके लिए कोशिश वो नहीं करेगा। कोशिश की जाती है पहले, साइकिल सीखने की कोशिश होती है पहले। जब कोई सीख जाता है तब क्या अंतर आता है, गप्पू कर रहा है आगे वाले से, अब साइकिल जा भी रही है बाजार। भाई की सूर्य ही विराटनगर नेपाल में लिखा है, मैंने भगवान शिव को अपना गुरु माना है, दिल से माना है, लेकिन मेरा कर्म, मेरी बोली और व्यवहार से ऐसा नहीं लगता कि मैं शिव का शिष्य हूँ, फिर मैं कैसे शिव का शिष्य हूँ? दिल से मान लीजिएगा ना भाई साहब, ये बोली में है, दिल से मान। महादेव पर हमको जितना भरोसा है ना साले, किसी पर नहीं है, उसको एक पैसा भरोसा नहीं, बोलता है वो। अगर दिल से मान लीजिएगा तो भाव पैदा होते हैं, दिल से भाव पैदा होते, विचार तो दिल से होता नहीं। ये भाव ही बता देगा कि आप दिल से महादेव को मानते हैं और आप उनके शिष्य हैं। आपका आचरण ही बता देगा। अगर आचरण अगर कोई भाव से अलग है, इसका मने भाव नहीं है, आप भ्रम पाल रहे हैं। इस भ्रम से निकलिए, तीनों सूत्र करिए, शिव के शिष्य बनिए। भाई सुनील जी, कोलकाता पश्चिम बंगाल से लिखे हैं। साथ ही एक बार चर्चा में आपने कहा था कि नमः शिवाय शिव की चीज में फेंक सकता है, नमः शिवाय की जो स्थिति है वो नमः शिवाय शब्द की स्थिति नहीं है। नमः शिवाय शब्द यानी शिव को प्रणाम, शब्द आपको तभी तक काम करेंगे जब तक आकाश तत्व है। पांचों तत्वों में शब्द तन मात्रा आकाश तत्व की है, शब्द वहीं तक काम करेंगे। वह शिव, वह परमात्मा आकाश तत्व से बहुत ऊपर है, भगवती ही ऊपर है, तो शिव कैसे नहीं होंगे, ऊपर है। तो नमः शिवाय काम वहां नहीं करेगा, लेकिन नमन तो काम करेगा ना भैया, मन का झुकना तो काम करेगा, वो भाव स्थिति तो काम करेगी, नमः शिवाय शब्द नहीं काम करेगा, यही मैंने कहा। नेक्स्ट। बहन आशा सूरत गुजरात लिखी है, साधु और संत में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, एक ही चीज है, साधु और संत में कोई अंतर नहीं। अब उतना मीन मिख निकालेंगे तब तो हुआ, थोड़ा अंतर है लेकिन सामान्यतः कोई अंतर नहीं। बहन चांदनी पटना बिहार ने लिखा है, साहब आपने कहा था शिव के प्रति आकर्षण तो नहीं लगता है, पर चर्चा के प्रति इतना आकर्षण क्यों है? चर्चा के प्रति आकर्षण के बहुत से कारण है, वही तीन सूत्र करने होंगे। हुआ क्या है ना, इधर चर्चा का आकर्षण इतना बड़ा है कि शिव का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, और जब शिव की कीमत नहीं है तो शिव शिष्य कहां से आए? तो चर्चा की इतनी कीमत बढ़ी है, इतनी कीमत बढ़ी है, शिव उसके सामने डिवैल्यूड हो गए हैं, कोई उनकी कीमत नहीं रह गई है शिव शिष्यों के सामने। सबकी बात मैं नहीं कर रहा। भाई विनोद जी गैंगटॉक सिक्किम लिखे हैं, मैं जब दूसरों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ना चाहता हूँ, उस समय मेरा मन डरा रहता है कि ये आदमी पता नहीं क्या सवाल करेगा, डरा हुआ मन उस व्यक्ति को कैसे समझा पाएगा? अरे बेवकूफ, डरा हुआ मन दया मांगेगा ना, हम डर जाएंगे, किससे मदद मांगेंगे? अब वहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, तो अपने गुरु से मांगेंगे, जब उनसे मदद मांगेंगे तो काम ठीक हो जाएगा, आपका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, आप भले डरे रहिए, क्योंकि भय में ही आदमी मदद मांगता है। शमशान में क्या होता, वहाँ भय वृत्ति जागृत हो जाती है, इतनी कहानियाँ सुनता है आदमी, पूरा अंधेरा, हाथ को भी हाथ नहीं सूझता, तो डर लगता है, डर लगता है, तो अपने आराध्य और गुरु के पास ही नहीं जाएगा, वहाँ आदमी तो कोई है ही नहीं।
तो जब डर लगेगा विनोद जी, तब आप अपने गुरु के आश्रम में जाइएगा, गुरु को याद करिएगा कि फंस गए क्या पूछ दिया ही, तो वहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। वो डरने का डरना जरूरी है महादेव की दया के लिए कहीं कहीं। बहन रजनी काशीचक नवादा बिहार लिखी है, सांसारिक समस्या एवं व्यवस्था परमात्मा के प्रति प्यार पनपने नहीं देती है, क्यों? वही शिव आपके रूप में घूम रहा है जगत में, जगत का आकर्षण है ही, वो कैसे पनपने देगा? गुरु की मदद लीजिए, गुरु के साथ जाइए, गुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु से अपना रिश्ता जोड़िए, वो धीरे 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 शिव से प्रेम बढ़ाएंगे और धीरे धीरे जगत का प्रेम घटता जाएगा। लेकिन वो एकदम नहीं घटेगा, जब तक शरीर है तब तक जीव भाव रहेगा, लेकिन गुरु की दया ही हमको आपको शिवोन्मुख कर सकती है, जगत के आकर्षण से हटा सकती है। भाई संगम जी भागलपुर बिहार से लिखे हैं, साहब आपने चर्चा में कहा है कि यदि कोई हमारी छोटी सी चीज जैसे कि चप्पल को चुरा लेता है तो मन दुखी हो जाता है, लेकिन अगर कोई महादेव को चुरा ले तो कोई गम, कोई दर्द, कोई संवेदना पैदा नहीं होती। आखिर हमारे अंदर क्या कभी है जो हमसे महादेव के लिए दर्द पैदा नहीं होता? ऐसा नहीं है कि आप महादेव की तस्वीर को चुरा ले तो दर्द नहीं पैदा होगा, पकड़ के मरवे करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो चप्पल के प्रति आकर्षण है वह शिव के प्रति हो जाए, उतना भी हो जाए तो सर फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं। टूटला ही चप्पल जो अगले महीने की तनख्वाह में बदली जाएगी, वो अगर कुत्ता काट लिया अंतिम महीने के दिन में, कुर्सी या कुत्ता काट लिया हो, आपका मन धुलेगा, जबकि दो दिन के बाद उसको नया फेंक के नया नई चप्पल अपने ले वाले। लेकिन इतना भी आकर्षण, इतनी भी परवाह शिव के प्रति कहाँ है? वो गुरुदया से ही होगी बाबू, कोई उपाय नहीं। तीन सूत्र करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। भाई डब्ल्यू जी नवादा से लिखे हैं, धरा पर तीन शक्तियों से सारी सृष्टि संचालित होती भाई है, तो इच्छा शक्ति क्या है और इसे कौन संचालित करता है? इच्छावान, इच्छा शक्ति इच्छावान की है, शक्ति शक्तिमान की है, इच्छा को ही शक्ति बोलते हैं। उस शिव ने इच्छा की, जगत बना, कहा ही जाता है इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा की इच्छा है, आपकी इच्छा से भी बनाया। भाई साहब आपने घर अगर बनाया होगा तो पहले आपकी इच्छा हुई होगी, तब ज्ञान लिया होगा, इंजीनियर ये हो से, खाली ज्ञान लेने से इच्छा करने से मकान नहीं बनेगा, तब क्रिया करनी पड़ेगी, सीमेंट लाओ, छड़ लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बनवाओ, यानी इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों क्या होना ही होना है, वो त्रिभुज बनना ही बनना है सृष्टि में। हम लोग भी जितना आदमी जितना बनाया है सब उसके पीछे इच्छा ज्ञान क्रिया, शिव ने भी जो बनाया है उसके पीछे इच्छा ज्ञान क्रिया है। अंतर यही है कि यहाँ भी इच्छा, जगत की इच्छा करने के चलते वही परमात्मा है, अजगत से शिव की ओर जाने में वही परमात्मा है, इसीलिए त्रिभुज का दोनों केंद्र बिंदु एक ही परमात्मा, लेकिन दोनों दो त्रिभुज हैं, एक ऊर्ध्वमुखी है जो जीव शिव की ओर जा रहा है, एक अधोमुखी है जिसमें शिव जीव की ओर आ रहा है, लेकिन केंद्र बिंदु दोनों का एक ही है, दोनों के शिव ही है, दो केंद्र बिंदु नहीं, केंद्र बिंदु एक ही है। कल्याण महाराज से लिखे हैं, जब साहब के कहने से महादेव को अपना गुरु बनाए और सिद्ध शिष्य बने, तो आपके द्वारा दिए तीन सूत्र को करना भी अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य तो नहीं है भाई, हमने शिव को गुरु माना था तो कौन से सूत्र थे मेरे पास? एक विवशता थी, एक लाचारी थी, एक शौक भी था कि सब गुरु को छोड़ दिया था, महादेव गुरु मानेंगे, वैसे जानते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, तो खड़े रहो, स्कूल में खड़े भी रहिएगा तो मास्टर बा पढ़ाई देता है, अब स्कूल से भाग जाएंगे तो मास्टर बा क्या करेगा? अनिवार्य नहीं है तीनों सूत्र। अगर किसी के मन में शिव शिष्यता का अस्थाई जमाकड़ा हो जाए, अस्थाई रूप से जम जाए शिव शिष्यता, तीनों सूत्र किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे शिव शिष्य बनना शुरू होगा, वो जैसे जैसे शिव शिष्य होना शुरू होगा, वो फिर तीनों सूत्रों पर घूमेगा, वो उसको नहीं मालूम है कि तीन सूत्र क्या होते हैं, फिर घूमेगा, मन अपने गुरु से दया की स्थिति में जाएगा,
मन अपने गुरु को प्रणाम करने की स्थिति में जाएगा और गुरु भाव का प्रवेश होता जाएगा शिष्य में। इसीलिए गुरु के लक्षण भी प्रकट करेगा, वो दूसरों को ईश्वर शिवोन्मुख करेगा, दूसरों को ईश्वर उन्मुख करेगा। भाई गिरिवर जी सहरसा से लिखे हैं, गुरु शिव और परमात्मा शिव में क्या अंतर है? गुरु शिव में और परमात्मा शिव? परमात्मा के रूप में वो सबके साथ है बाबू, वो गाय भी है, बाघ भी है, मुर्गी भी है। गिरिवर जी जैसे हम मुर्गी खाते हैं ना, वो खा जाता है, परमात्मा है, लेकिन ईश्वर के रूप में वो समभाव में है सबके साथ। गुरु के रूप में वो समभाव में नहीं हो सकता है, उसको शिष्य से जुड़ना पड़ता है, सापेक्ष हो जाता है। ईश्वर निरपेक्ष होते हैं और गुरु सापेक्ष होते हैं, जबकि एक ही सत्ता है दोनों। ईश्वर ही गुरु हैं, ईश्वर ही गुरु हैं, और ईश्वर गुरु और गुरु भी ईश्वर हैं, वह गुरु जो सत्य है, सतगुरु। नेक्स्ट चलिए, अब कब आएंगे हमको नहीं मालूम, आपको खबर जाएगी। सुना कि बहुत लोगों ने कहा कि व्यूअर कम है, कम लोग सुनते हैं, इसीलिए साहब अब हम लोगों के बीच नहीं आना चाहते, कुछ लोग बोल रहे थे। एक बात जान लीजिए भाई साहब, शिव शिष्यता मैंने अकेले शुरू की। पहला महोत्सव हमने 91 में किया तो 13 आदमी, भीड़ मुझको कभी पसंद नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आप रखे हैं अनाज किसी को खिलाने के लिए और कोई लेने को ही तैयार नहीं हो, तो अनाज सड़ेगा कि नहीं? दान का नियम ही है वो, ज्ञान दान हो या धन का दान हो, दान का नियम ही ग्रहिता होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए, अन्यथा उसकी कोई कीमत ही नहीं। मैं बकर बकर करूं, करता ही हूं, अभी 7 दिन में कर रहा हूं, मैं बकर बकर करूं और उससे किसी को लाभ ही नहीं हो तो मैं फालतू बकर बकर क्यों करूंगा? सरकार पेंशन देती है, मैं खाऊंगा, इत्मीनान से रहूंगा। ऐसा मत समझिएगा कि आपको सुनने से मुझको, नहीं सुनने से हमको दुख होता है। आप नहीं सुनिए, आपको मेरा प्रणाम।